अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के लिए एक गंभीर कोशिश की। अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका से वापस आ गए हैं, लेकिन अब चुनौती भारत के आसपास तेजी से बिगड़ रहे क्षेत्रीय संतुलन को संभालने की है। मालदीव और बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका में भी चीन ने भारत विरोधी साजिशें तेज कर दी हैं। इसलिए परवाह देश की के इस दूसरे हिस्से में आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब श्रीलंका कैसे हिंदुस्तान के चारों तरफ बन रहा है एक चाइना का फंदा। लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान क्या क्या हुआ। अमेरिका ने तस्करी के जरिए विदेश गए भारत के 297 एंटीक आइटम वापस कर दिए। भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हुए। अमेरिकी सेना की यूएस स्पेस फोर्स मदद से भारत में बहुत जल्द पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट शुरू होगा। भारत और अमेरिका के बीच 31 गार्जियन ड्रोन खरीद को लेकर भी करार हो गया है। C-130J सुपर हरक्यूलिस को लेकर समझौते पर भी बात हुई है। वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती से अपनी बात रखी और यह भी तय हो गया कि अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में शिखर सम्मेलन में विश्व बिरादरी के भविष्य पर चर्चा की, जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई वैश्विक मंचों और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की ओर साफ साफ कहा कि युद्ध किसी भी समस्या या मनमुटाव का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन अब दुनिया को भारत के आसपास बढ़ रहे क्षेत्रीय असंतुलन और चीन की साजिशों पर भी ध्यान देना होगा। मेरे तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही क्वाड समिट में मित्रों के साथ भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है। इस सफल और सार्थक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल शांति के लिए गंभीर प्रयास किया है, लेकिन इस बीच भारत के आसपास क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है। भारत के लिए चीन और पाकिस्तान सबसे बड़ी समस्या है। तीसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मौजूदा समय में पाकिस्तान समर्थक सरकार बन गई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मालदीव में भी मोहम्मद मोइजू की चीन परस्त सरकार बनी है और अब भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी चीन की करीबी माने जाने वाली मार्क्सवादी सरकार बन गई है। अनुराग कुमारा दिसानायके अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। 23 सितंबर को उन्होंने शपथ ली और इस तरह वो श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बन गए। कभी श्रीलंका के हथियारबंद आंदोलन में शामिल रहे अनुराग दिसानायके की JVP पार्टी का स्टैंड इतिहास में भारत विरोधी रहा है। अनुराग की पार्टी JVP हिंदू तमिल और भारत से आए मुस्लिमों को मजबूती देने वाले हर काम का विरोध करती रही है। दिसानायके की JVP भारत से आए तमिल मूल के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रही है। दिसानायके भारत से आए तमिल मूल के लोगों को भारतीय विस्तारवाद का टूल बता चुके हैं। चुनाव से पहले दिसानायके की पार्टी ने भारत श्रीलंका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए बने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA का भी विरोध किया था। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति बने हैं। जाहिर है उनका झुकाव चीन की तरफ है और चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसीलिए चीन ने श्रीलंका में चुने गए नए राष्ट्रपति को बधाई देने के बहाने भारत को नसीहत देने की कोशिश की। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, पूरी संभावना है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भारत पर निर्भरता कम करेंगे और व्यवहारिक दोस्ताना रवैया अपनाकर चीन की डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ तालमेल करने की कोशिश करेंगे। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है, श्रीलंका में नई सरकार के आने के बाद चीन श्रीलंका के रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिसानायके की पार्टी की आइडियोलॉजी चीन के साथ मेल खाती है और चीन के साथ श्रीलंका के संबंधों को महत्व देती है।
हालांकि अनुराध दिशा नायके ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चीन ने ही कर्ज के भंवर जाल में फंसाकर श्रीलंका को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया था, और तब भारत दुनिया का अकेला देश था जिसने बिना किसी शर्त के श्रीलंका की मदद की थी। पांच फरवरी 2024 को नई दिल्ली में अनुराध दिशा नायके ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इलेक्शन कैंपेन के दौरान अनुरा ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मामलों में भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगी। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद अनुरा दिशा नायके का रुख क्या रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। वैसे अनुराध दिशा नायके की पार्टी जेवीपी को श्रीलंका में चीन समर्थक पार्टी की तरह देखा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिशा नायके के श्रीलंका का राष्ट्रपति बनने के बाद चीन श्रीलंका पर हावी हो जाएगा। हालांकि अनुराध दिशा नायके के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पार्टी जेवीपी ने कहा है कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हम अपने रीजन की जियो पॉलिटिक्स से पूरी तरह वाकिफ हैं, लेकिन हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा जेवीपी ने कहा है। लेकिन सवाल सिर्फ श्रीलंका का नहीं, अब तक भारत के सबसे अच्छे पड़ोसी दोस्त रहे बांग्लादेश में भी हालत बहुत तेजी से बदल चुके हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी यूनुस सरकार पर हावी हो रहे हैं। बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान परस्त बनता जा रहा है। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड की एक चुनावी रैली में राज्य से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की, लेकिन ये बात बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई बनी अंतरिम सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी। बांग्लादेश ने 23 सितंबर को भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को ढाका में एक पत्र सौंपा। इस पत्र में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध दर्ज किया। भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करने भर से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इस कदर बौखला गई कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए एक सच्चाई। साल 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या को लेकर आंकड़े पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने से भारत बांग्लादेश संबंधों में अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में राष्ट्रगान और झंडा भी बदलने की मांग उठी थी। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान के रूप में भारत ने उन पर जबरन थोप दिया था। बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियां ये भूल गई हैं कि वो भारत ही था जिसने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना के क्रूर अत्याचार से आजादी दिलवाई थी। लेकिन सरकार बदलते ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी सरकार पर हावी हो गए। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बांग्लादेश में 50 साल में पहली बार पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि मनाई गई। ढाका में जिन्ना की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुआ जिसमें पाकिस्तान के राजदूत भी शामिल। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों पर खूब अत्याचार किए थे। लेकिन बीते 2 महीने में बांग्लादेश की नई बनी सरकार ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश तेजी से पाकिस्तान की ओर झुकता जा रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान के साथ बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।